हमारे जो स्टूडेंट्स हैं रेकी, एस्ट्रोलॉजी, भगवत गीता हीलिंग, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि ऐसे कुछ वीडियोस दे दीजिए जो छोटे छोटे चीजें हैं हमारी लाइफ में कैसे साइकोलॉजिकल जुड़ी हुई है। तो हमने एक वेलनेस सीरीज शुरू कर दी, आप जन्मों का साथ है। तो 14 जन्मों का क्यों नहीं है और 10 जन्मों का क्यों नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ को। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं रेकी, एस्ट्रोलॉजी, भगवत गीता हीलिंग, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि ऐसे कुछ वीडियोस दे दीजिए जो छोटे छोटे चीजें हैं हमारी लाइफ में कैसे साइकोलॉजिकल जुड़ी हुई है। तो हमने एक वेलनेस सीरीज शुरू कर दी। ये वाई वेलनेस सीरीज है, वाई कौन सी चीजें वाई करके हैं, और इसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हैं, लेकिन हमें उनकी वाई नहीं पता। साइकोलॉजिकल कहीं जुड़े हैं, पैरासाइकोलॉजी में वो कहीं आते हैं, वो नहीं पता। तो हम उस वाई एनालिसिस को ले रहे हैं। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ऑलरेडी मुझे दिए थे, जैसे 7 जन्मों का साथ क्यों होता है, किचन में बर्तन क्यों गिर जाते हैं, और हम जब पूजा में या शमशान में कहीं जाते हैं तो हम सर क्यों ढक लेते हैं। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस हो डेफिनेटली आप हमसे शेयर कीजिए, उनका अगर कोई साइकोलॉजिकल रीजन होगा डेफिनेटली हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं जर्नी पे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हम और आप इस जर्नी पे इकट्ठे चल पाए। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं हिंदू रिचुअल्स में कि मैरिज जो है वो 7 जन्मों का साथ है, तो 14 जन्मों का क्यों नहीं है और 10 जन्मों का क्यों नहीं है, 5 का क्यों नहीं है? तो कोई रीजन है? ये जो धर्म की स्थापना होती है, धर्म क्या होता है इसके ऊपर जब कभी आप बोलेंगे तो एक वीडियो अलग से बनाएंगे। धर्म की जो स्थापना होती है उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंगल भी देखते हैं। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे जब उन्होंने ये धर्म को स्थापित किया। तो जब उन्होंने इसकी स्थापना की होगी तो उन्होंने काफी चीजें सोची होंगी, और हमें शायद वो वक्त के साथ पता नहीं है, पर हमने उसको रिचुअल मान लिया। अब हम कर्म की थ्योरी को तो अलग रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर वो सब में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वर्कशॉप भी 3-4 घंटे की होती है हमारी उसके ऊपर। हम सिर्फ छोटे क्वेश्चन पर रहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन क्यों? तो इसका साइकोलॉजिकल प्रमाण यह है, एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए मिस्टर मिलर। मिलर जी ने एक सिद्धांत दिया था कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कोई भी कमांड शॉर्ट टर्म मेमोरीज के अंदर 7 ± 2 के सिद्धांत पे काम करता है। 7 + 2 - क्या है? आपने 7 कमांड दी, हो सकता है 2 कमांड वो छोड़ दे और 5 कमांड वो याद रखे शॉर्ट टर्म में। या आपने 7 चीजें मार्केट से खरीदनी, हो सकता है आप 5 ही खरीद पाओ, 2 छोड़ दो। एज पर मिलर दिस इज ए प्योर साइंस साइकोलॉजिकली। और +2 मैक्सिमम आप 9 नंबर तक जा सकते हो, उसके बाद अलग सिस्टम है, उसके बाद आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, तभी आप उस सीक्वेंस में चीजों को याद रख पाएंगे। ये सिद्धांत कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, कौन सी बुक पढ़ी ये बताना तो मुश्किल है, पर हमारे शास्त्र में यही सिद्धांत का बेस है। अगर आज आपकी शादी किसी से हुई और लेट्स अज्यूम कि वो पहला जन्म है, तो आप अपना जो भी चीजें उनसे फाइट, प्यार, मोहब्बत, कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऑर्डर्स, जो भी आप चाहते हैं, आप कभी एनालिसिस करिए उनको। जैसे इसको आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आज अगर आप बैठ के सोचें कि 2 साल पहले किस बात पे आपकी और आपकी वाइफ की लड़ाई हुई थी, पहली बात तो टाइम लगेगा, दूसरी बात हो सकता है आप याद भी ना कर पाए। यार था तो सही, कुछ चक्कर तो था, पर क्या था मालूम नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा
कि अगर एक सीक्वेंस कोई हो गया करंट लाइफ में तो आप सारे सीक्वेंस जोड़ दो, पीछे के पता नहीं 10 साल, शादी को अगर 25 साल हो गए तो 25 साल को ही जोड़ दोगे, और 25 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि सारा ही टाइम बड़ा खराब गया होगा, 25 साल में टाइम अच्छा भी गया होगा, पर क्या बोलेंगे हमारी तो जिंदगी 25 साल से खराब है, पूरा टाइम हम खराब करेंगे, सीक्वेंस जोड़ेंगे, लेकिन अगर हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमारे पास 7 ± 2 की कमांड है, अगर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9, इन दोनों का एवरेज 7। तो इसलिए ये धर्म में प्रथा है कि 7 जन्मों तक अगर आपकी कोई ग्रीवेंस चल रहे हैं या ओवर अफेक्शन पजेसिवनेस कुछ भी चल रहा है आपस में तो आप पूरा कर लो, और उसके बाद एज पर भगवत गीता जीवात्मा तो कभी किसी बंधन में है नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है, ना ही वो किसी वाइफ के बंधन में है ना हस्बैंड के, पर वो छुरी अलग है बिल्कुल। उस पे जाने से पहले हम ये समझ लें कि 7 जन्म क्यों है। साइकोलॉजिकल सिद्धांत है कि कॉन्शियस माइंड आपकी कमांड ही 7 ± 2 पे लेता है, उसके बाद खत्म। तो अगर आपका कोई ग्रीवेंस है उस आदमी या उस लेडी के साथ खत्म हो जाएगा, जो आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ, तब आप कोई नया एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी राह पे निकल लेंगे। तो बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है, बिल्कुल समझने का कंसेप्ट है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आएंगे और फिर साइकोलॉजिकल उनका आपको आंसर देंगे। तो जरूर देखिए इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके भी कोई क्वेश्चंस हो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो यूजली हमारी लाइफ में चल रहे हैं बट हमारे पास उनके आंसर नहीं है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालें। We will try to search out as per our research and then we will give you the answer per se. बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।